लेट मी थिंक व्हाट आई कैन टेल। स्कूल लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है। कल मेरे एक फ्रेंड ने हम लोगों के इंस्टाग्राम ग्रुप पर एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट नागपुर करके एक पोस्ट भेजा था। मेरी स्कूल एक्चुअली एंग्लिकन्स ने स्टार्ट की थी। एंग्लिकन्स क्या है मुझे पता नहीं है। लेट्स सर्च। एंग्लिकनिज्म इज अ वेस्टर्न क्रिश्चियन ट्रेडिशन दैट हैज डेवलप्ड फ्रॉम द प्रैक्टिसेस liturgy and identity of the Church of England following the English Reformation. Adherents of the Anglicanism are called Anglicans. They are also called Episcopalians. Episcopalians in some countries. यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है Zero Mile. It's a monument built by a British. The Zero Mile stone consists of a pillar made of sandstone and another small stone representing the GTS standard benchmark and four stucco horses that were added later. मैंने बचपन में ऐसी स्टोरी सुनी थी Zero Miles की। वहाँ से एक ब्रिटिशर ने पूरा सर्वे करने के लिए चार घोड़ों को भेजा था। North, East, West, South. It was narrated in the story that the horses reached the tips of the North, East, West and South regions at the same time and by that they decided that Nagpur and that particular point Zero Mile can be the geographical center of the country. It makes sense why Anglicans founded this school in Nagpur. मैं first to 10 BCS में पढ़ा हूँ। वैसे तो अगर मेरे results अगर मैं उठा के देखूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत studious था पढ़ाई में। In retrospect when I think about my school life, I know that I was never interested in studies. और by studies I specifically mean कि मुझे homework करने में कभी मजा नहीं आता था। मुझे actually कभी समझा ही नहीं कि maths क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। All the language if I have to talk about English, Hindi and Marathi, मुझे उन books को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था because उसमें stories हुआ करती थी। बिडिकर मैम वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ाती थी। शी वॉज एन एक्सेलेंट टीचर। बिकॉज ऑफ दैट आई डेवलप्ड अ लाइकिंग टुवर्ड्स हिस्ट्री। ज्योग्राफी मुझे बहुत टेक्निकल लगता था उसमें क्योंकि बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह होते थे। मराठी के जो सर थे ही वॉज स्ट्रिक्ट एंड ही वॉज वेरी फनी। मैं स्कूल में एनसीसी में भी था। मुझे एयरविंग में जाना था बट एयरविंग हम लोगों के स्कूल में था नहीं तो मुझे आर्मी विंग ज्वाइन करना पड़ा। आई थिंक वहाँ से मुझे थोड़ा डिसिप्लिन लगा। टिल सेवन्थ स्टैंडर्ड आई लिटरली बिलीव दैट द वर्ल्ड द एंटायर यूनिवर्स इज मेड बाय वन पर्सन एंड दैट टू इन सिक्स डेज। देयर इज अनदर इंसिडेंट दैट हैपेंड ड्यूरिंग द 10th फेयरवेल प्रोग्राम where I was scolded by a teacher for creating nuisance sitting in the back. He said, tu mujhe 10th standard pass hoke dikha de. Physics mujhe अभी इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन उस टाइम पर मुझे फिजिक्स कभी समझ में नहीं आया। आई एंजॉय फिजिक्स नाउ मोर देन आई यूज्ड टू एंजॉय फिजिक्स बैक इन स्कूल। आई नेवर अंडरस्टूड केमिस्ट्री। मुझे वो इक्वेशंस को बैलेंस करना ही नहीं आया कभी। बड़ी ना मुझे रट्टा मारना बहुत अच्छे से आता था तो मैं सब चीज़ें याद कर लेता था। बट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग अगर मैं देखता हूँ तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मैं एक्चुअली कुछ सीखा हूँ। सिविक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मैं एक्चुअली कुछ सीखा हूँ। मुझे एचसीसी में मुझे स्पेसिफिक चीज़ें याद है जहाँ पर हम लोगों की मेंटोरिंग की जाती थी और हमें समझाया जाता था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक इंसान की। मैथ्स को मैं अभी सीखना स्टार्ट कर रहा हूँ ऑन यूट्यूब एंड आई एम लर्निंग मैथ्स फ्रॉम दिस पर्सन कॉल्ड एडी वू हु इज अ मैथ्स टीचर इन ऑस्ट्रेलिया। वो जिस तरीके से मैथ्स पढ़ाता है ना आई रिकमेंड वॉचिंग हिज वीडियोज। इट विल ब्लो योर एंटायर माइंड एंड इट मेड सेंस व्हाई मैथ्स इज इंपॉर्टेंट। मेरे दोस्त संकेश ने मुझे बोला था कि तुमने लोगों को बताना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन पढ़ो। प्लीज डू रीड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मुझे ना वापस जाना है अपने स्कूल लाइफ में ना ही मैं भूल चुका हूँ अपने स्कूल लाइफ के बारे में। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द फ्रेंड्स दैट आई मेड इन स्कूल। आई थिंक ये कभी ना कभी लोगों को रियलाइज होता है the importance of having friends and the importance of having people in life. This is a special message to the people I met. I'm grateful that I've met you. It is because of your existence that my entire being is shaped the way it is shaped.